Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. So, guys, finally, इस upcoming film का सारा किस्सा खत्म होने वाला है. ट्रेलर, टीजर, सब कुछ फाइनली यहाँ पे अपलोड हो गया है. टीजर हम लोगों ने रिएक्शन दे दिया है. इसके गानों पे हम लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं. जी हाँ, बट इसका फाइनल ट्रेलर लॉन्च हो गया है एंड इट्स मेकिंग रिपल्स ऑल ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड. हम बेसिकली बात कर रहे हैं ऑन द ऑफिशियल हिंदी फाइनल ट्रेलर फॉर आदि पुरुष. गाइस, इसकी एक लाइव इवेंट चल रही है. आप सबको पता है कि रिसेंटली चल रही थी, बाय द वे चल रही थी. सो उसमें बहुत सारे गाइस वहां पे लोग आए थे और बहुत सारे भाषाओं में वहां पे जितने भी भाषाओं में ये मूवी रिलीज होने वाली है उस सबके ट्रेलर वहां पे रिलीज हुए. और बहुत ही मतलब ह्यूज फैनफेयर था और बहुत ही ऑर्गेनाइज था सब कुछ. और इसके ट्रेलर के ऊपर गाइस हमने रिएक्ट किया था और उसमें भी हमने कहा था कि शायद इस मूवी का सेकंड ट्रेलर भी आ सकता है एंड वो आ गया गाइस. क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पे देखे, जैसे भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान, बजरंग बली, सबको वहां पे देखा गया एक्सेप्ट रावण. आई मीन टू से सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वहां पे हमने नहीं देखा, उनका एक ग्लिम्स मिला था. सो फाइनली हमें लगता है कि फाइनल ट्रेलर में उनके बारे में हमें पता चलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द फाइनल ट्रेलर ऑफ आदि पुरुष राइट नाउ. दीक्षां देहि. फाइनली वी सी रावण. ओह शिट. वो नाइस. ओह रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने. आ रहा हूँ अपनी जान की को ले जाने. आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने. वाह, शॉट काफी अच्छा है. उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा. राइट. लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज. काफी अच्छा होने वाला है. अब मेरे साथ चलिए माँ. उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो. जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे और वो आएंगे. सेलिब्रेट द विक्ट्री. वाओ. ओह, थोड़ा सा बेटर लग रहा है. या है. ओह, मेघनाथ. आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हो. हर भारतीय के आदि पुरुष. बाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है. सो फाइनली वी रिएक्टेड ऑन द ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर फॉर आदि पुरुष. गाइज, ये एक इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस इन थिएटर्स. जी हाँ, बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यू नो द एनिमेशन पार्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ है लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं. गाइज, एक समझ में आ रहा है. ठीक है, समझ में आता है कि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर इस फिल्म का बजट 350 से होकर 700 crore अगर हो गया है, अगर इसके VFX पे काम करना चाहिए था, सो वी डू अग्री विथ यू एज वेल. हम आपके बात को मानते हैं लेकिन फाइनली ये फिल्म बन के रेडी हो चुकी है. काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा है. आई रियली एंजॉयड गाइज. मैं बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने ऐसे देखे जो मैं क्या कहते हैं कि मैंने एक इमेजिन किया था कि शायद ऐसा हो सकता है. इतना एपिक होना चाहिए. एपिक होना चाहिए. और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइनल जो बैटल होगा गाइस वो बहुत ही लंबा स्क्रीन टाइम लेगा. Right. और बहुत सारे कैरेक्टर्स. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रामायण. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वहां पे
अंत में जब रावण का वध होता है तो रावण एक सीख लेता है yeah. और ओवरऑल हम लोग वेट कर रहे थे कि सैफ अली खान को थोड़ा और दिखाया yeah, जाए guys, यहां पे मैं... फिर भी I'm again disappointed कि और ज्यादा कुछ हमने देखा नहीं है सैफ अली खान में. हमने जो देखा एज अ साधु जो भिक्षा देने आते हैं, जो भिक्षुक जो होके जो आते हैं और जब वो अपहरण करते हैं माँ सीता का. लेकिन एक बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं अब तो सिनेमा वैसे भी रिलीज होने वाली है थिएटरों में 16 जून को. डायरेक्टर से पता नहीं हमारी आवाज उन तक जाती है कि नहीं. आशा करते हैं कि जो लुक हम लोगों ने सैफ अली खान का देखा है, जैसे वो दाढ़ी रख के जैसे वो भिक्षुक है, आई होप कि रावण का वैसा ही कुछ लुक हो. आई डोंट वांट टू सी दैट यू नो दैट हालांकि फर्स्ट ट्रेलर जो था उसमें दिखाया गया कि टीजर में भी था, ट्रेलर में पिछले ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि बैक साइड वी कैन सी उनका उनके बाल कटे हुए हैं, शॉर्ट है, पर आई डोंट नो कि क्या देखने को मिलेगा. ये गाइस बहुत ही बड़ा एक मतलब पॉइंट है और मुझे नहीं लगता ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑडियंस इसे किस तरह से लेगी. पर प्रभास एज श्री राम और यहाँ पे सनी सिंह एज लक्ष्मण और भी जितने भी यहाँ पे कृति सनन एज माँ सीता, सब यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं. और गाइज इसके जो पहला जो ट्रेलर था उसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि बजरंगपली का जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया देवदत्त है नागे. देवदत्त नागे, तो मैं उतना मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पोर्ट्रियल है, क्योंकि बजरंगबली एक बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट है रामायण के. और जो पोर्ट्रियल था ट्रेलर वन में जो मैंने देखा, और यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पे जो हाइट का जो डिफरेंस है वो श्री राम के साथ लगभग सेम है. तो ये हम जो जब बचपन में हम लोगों ने जो रामरन सागर की जो रामायण हमने देखी थी, तो वहां से हम वहां पे बहुत सारे पॉइंट है, वहां से हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं और या वहां से बहुत सारा रेफरेंस भी ले सकते हैं. पर ओवरऑल गाइस मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें के बारे में बात नहीं करूंगा. बहुत सारी एक्साइटमेंट है और ये एक्साइटमेंट को फुलफिल करता है ये फाइनल ट्रेलर right. और जो हमने देखा वो काफी अच्छा लगा गाइस. जैसे कि मैं इंटरनेट पे सुन रहा था कि ये एक्शन फाइनल ट्रेलर होने वाला है, तो यहाँ पे पूरा ही उसी बेस्ड में है. पूरा एक्शन तो दिखा ही है, यू नो दैट वॉर फेयर, जब वो बैटल होता है, जब वो वॉर होता है, यू नो एक बहुत बड़ी युद्ध होती है जो रावण की सेना के साथ, श्री राम की सेना के साथ, जो वानर सेना है. और एक ग्लिम्प्स था गाइस वहां पे सुग्रीव और बाली का, जो वहां पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट मैंने देखा वो काफी रियलिस्टिक मुझे लग रहा था. सो ट्रेलर में टीजर में जो लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, वहां पे लोग कह रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे उस जगह को उन्होंने शायद वो यहाँ पे उस उनके जबाने बंद हो जाएंगी जब वो ये जवाब मिलेगी, जब ये देखेंगे इस ट्रेलर को. ये फिल्म जरूर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाली है. आई एम श्योर ये एक हफ्ते में आई गेस अपना जो ब्रेक इवन है जो 700 करोड़ का, वो आराम से वो लोग रिकवर कर लेंगे. ये तो गाइस आप सबको पता है कि ये मूवी का बस कितना ज्यादा है. और इस मूवी का बस बेसिकली एक ही रीजन है, इमोशनल पार्ट भी है, हमारे धर्म से रिलेटेड है, तो उस बेसिस पे बहुत लोग देखने चले भी जाएंगे, क्योंकि ये राम का नाम लेके इस फिल्म को लिया जा रहा है. आदि पुरुष जो है उनको श्री राम के नाम से यू नो कहानी बनी है yeah. रामायण के ऊपर बेस्ड है. बजरंग बली भी है, हमारे लक्ष्मण जी भी है, माँ सीता भी है, ऑल अबाउट रामायण. वो इमोशन बहुत डीप है. और गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है. बस मैं यही चाहता हूँ कि ये मूवी जैसे मेकर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इसे बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत ही आदर से बनाया है, तो हम भी वही उनको वो फीडबैक दें. सो आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, आदि पुरुष के बारे में, फाइनल ट्रेलर के बारे में, प्रभास के बारे में, पूरी आदि पुरुष टीम के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. और हमारे चैनल को गाइस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डेफिनेटली इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट है हमारे चैनल से रिलेटेड वो आपसे जल्द से जल्द पहुंचे. और हमारे चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम ट्विटर तो है ही, आप वहां पे जाइए. अगर आप समझते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं तो आप वहां पे जाके डीएम कीजिए. आप चाहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आके भी वहां पे आप बता सकते हैं आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय श्री राम.